नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में इससे पहली क्लास में हमने शब्द भेद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। शब्द भेद के बारे में हमने पढ़ा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फिर से देखिएगा। और वैसे भी ये एक पेड कोर्स है, तो जब आप पैसा दे करके वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिएगा। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों शब्द भेद के बाद, आज की क्लास में है वाक्य भेद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य भेद के बारे में, किस प्रकार से जो सेंटेंस, इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम वाक्य की परिभाषा की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। तो दोस्तों वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, शब्दों का व्यवस्थित समूह नहीं बल्कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। इससे पहले हमने शब्द में क्या पढ़ा था, वर्णों का व्यवस्थित समूह, लेकिन यहाँ पर क्या है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो वाक्य कहलाता है। मतलब जो शब्द हैं वो सार्थक होना चाहिए, उनका व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और उससे एक अपेक्षित अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने कहा कि राम बाजार जा रही है तो दोस्तों वो अपेक्षित अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि राम क्या है, पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो राम बाजार जाता है या जा रहा है, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो अपेक्षित अर्थ भी उसका प्रकट हो तो उसको कहते हैं वाक्य। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि सार्थक अर्थों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, उसे कहते हैं हम वाक्य। वाक्य में निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। तो दोस्तों कोई भी वाक्य है, अगर जैसे मैं कहूँ मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाने की बात अगर मैं करता हूँ तो उस वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। दोस्तों मैं अनिवार्य तत्व की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भाग की बात नहीं कर रहा हूँ, भेद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी वाक्य है तो उस वाक्य को बनने के लिए उसके अंदर 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। वो अनिवार्य तत्व 6 कौन कौन होते हैं दोस्तों, पहला होता है सार्थकता। सार्थकता का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि जो वाक्य है उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। अगर उसमें सार्थकता है तो उस वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा। जैसे मैंने कहा कि सीता ने गाना गा लिया है, ठीक है, सीता ने गाना गा लिया है या सीता गाना गाती है, ठीक है। अब मैं ये बोल दूं कि सीता गाना गाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा ना, बल्कि क्या होना चाहिए, सीता गाना गाती है तो उसका सार्थक अर्थ है, तो उसको कहते हैं सार्थकता। दूसरा क्या होता है दोस्तों, योग्यता, है ना। दूसरा क्या होता है, योग्यता। योग्यता का मतलब हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं, यानी उस वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। मतलब जैसे प्रसंग हो तो उसका अर्थ अपेक्षित हो, ऐसा नहीं कि उठपटांग न हो। तीसरा होता है दोस्तों आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, मतलब उस वाक्य का कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई ध्येय होना चाहिए, कोई न कोई जो है उसकी इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद निकटता। निकटता का क्या मतलब हुआ, निकटता मतलब हुआ कि बोलते या लिखते समय वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनमें आपस में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पदक्रम, है ना, कि शब्दों का क्रम भी सही होना चाहिए। और लास्ट 6 होता है अन्वय, और अन्वय का अर्थ होता है दोस्तों मेल, यानी लिंग वचन के अनुसार वो मेल खाना चाहिए। अब मैंने अभी कहा ना कि राम स्कूल जाता है, अब मैं कह दूं कि राम स्कूल जाती है तो वो मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों ये हैं, ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। आप समझ सकते हैं दोस्तों ये 6 के 6 आपको एक साथ एग्जाम में नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आ सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन
किसी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों वो नहीं होता है कहेगा तो तीन तो इनमें से सही देगा, एक गलत दे देगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थे किसी भी वाक्य के अनिवार्य तत्व, तत्व की बात कर रहे हैं जिनसे कि उसका भाव प्रकट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाक्य के दो अंग होते हैं, कोई भी वाक्य है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स है। जैसे सीधे सीधे मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, तो राम देखिए एक पार्ट से यह है, स्कूल जाता है दूसरा पार्ट से यह है, दोनों में अंतर है। यानी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं, छः, और वाक्य के अंग, अंग मतलब भाग, एक्यूरेट बराबर, तो दोस्तों वाक्य के दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। उद्देश्य मतलब होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, है ना, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ऐसा भी बोलते हैं। यानी जो कार्य को करने वाला होता है, जिसके बारे में उस वाक्य में बातें की जाती हैं, जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है तो राम की बात हो रही ना, राम यहाँ उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। दोस्तों ये इंग्लिश में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लेसन पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैंक की परीक्षा में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से एक क्वेश्चन हर बार आता है और एसएससी के एग्जाम में भी आता है। हमारे यहाँ पर हिंदी में ये विषय है बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और विधेय। यानी अब कैसे समझोगे, जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है उसको कहते हैं उद्देश्य, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए सचिन खेलता है तो इसमें सचिन क्या है, कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, और इसी को बोलते हैं हम लोग उद्देश्य। तो दोस्तों क्या पता कभी इस प्रकार से एग्जाम पूछ ले, मैं पूछ ले कि सचिन खेलता है, इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है दोस्तों सचिन, या सचिन क्या है, उद्देश्य है। दोस्तों कर्ता कहेगा तो आप समझ जाएंगे जल्दी, लेकिन उद्देश्य कहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। तो सचिन इस वाक्य में क्या है, उद्देश्य है यानी कर्ता है, ठीक है। चलिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, तो जो व्यक्ति है रमेश सुरेश मोहन कोई भी, ये करता है यहाँ, यानी यह उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विधेय। विधेय वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। यानी किसी भी वाक्य में उस कर्ता के बारे में जो बातें की जाती हैं उसको कहा जाता है विधेय। क्या कहा जाता है, विधेय। जैसे सचिन खेलता है तो सचिन तो दोस्तों क्या हो गया, कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गया। बाकी जो बच गया यानी जिसके बारे में वो बात हो रही थी वो तो हो गया उद्देश्य। अब उसके बारे में जो कुछ कहा गया, खेलता है स्कूल जाता है खाना खाता है, तो उसको बोलते हैं विधेय, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिकेट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति करता है उसको कहते हैं हम लोग उद्देश्य। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि जिसके बारे में बोला जाता है वह क्या है, वह है उद्देश्य। और उस व्यक्ति के बारे में अंदर सेंटेंस में जो बोला गया उसको कहते हैं हम लोग विधेय। वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आप ऐसे समझिए इंग्लिश में, जैसे मैं कहूँ मोहन गो टू स्कूल, तो ये मोहन क्या है, ये कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। गो टू स्कूल क्या है, प्रेडिकेट है। तो हिंदी में हम कहेंगे तो मोहन उद्देश्य है और गो टू स्कूल क्या है, वो विधेय है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सचिन खेलता है तो खेलता है इसमें क्या होगा, विधेय होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वाक्य के भेद। पहले हमने पढ़ा कि वाक्य क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि वाक्य के अनिवार्य तत्व, फिर हमने पढ़ा वाक्य के पार्ट्स यानी अंग कितने हैं, दो अंग हैं। लेकिन दोस्तों वाक्य के जो भेद हैं, यानी अगर हम किसी वाक्य का अर्थ निकालें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं दोस्तों वह होते हैं आठ।
कितने होते हैं 8। और अक्सर दोस्तों देखा जाता है एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन यहीं से आता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन के आपको दर्शन कराता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में आया था यहीं से, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा उसको, उस क्वेश्चन को। चलिए इसको देखते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ओहो, देखिए यहाँ पर लिखा है हम बड़ों का आदर करते हैं। क्या लिखा है? हम बड़ों का आदर करते हैं। इस वाक्य को प्रकार है, मतलब इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है ये पूछा गया है। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आज्ञार्थक, दूसरा है निश्चयार्थक, तीसरा है संकेतार्थक, फिर चौथा है इच्छार्थक। चार ऑप्शन है। चलिए आप भी गेस कीजिए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। क्या है क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन है हम बड़ों का आदर करते हैं, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अभी देखिए, अब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, फिर मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। वाक्य के भेद दोस्तों 8 होते हैं। पहला होता है दोस्तों विधानवाचक। क्या होता है? विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने का बोध होता है, यानी कोई क्रिया हो रही है उसका बोध होता है, उसकी सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है हमें, तो दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग विधानवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध पी लिया, वर्षा हो रही है ना, हम स्कूल जाते हैं, इस प्रकार से जो भी वाक्य है जिससे कि सूचना मिलती है, यानी वो क्या कहलाता है? विधान वाचक। दूसरा दोस्तों, दूसरा है निषेध वाचक। अभी जो क्वेश्चन था दोस्तों उसका जिक्र कहीं नहीं कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ आप लोग बता पाते हो कि नहीं। ठीक है, निषेध वाचक। निषेध वाचक में निगेटिव जिसको बोलते हैं, लेकिन कैसा निगेटिव? जहाँ मना कर दिया जाता है। जैसे निगेटिव में मैं कहूँ मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, तुम मत जाओ, अंदर जाना मना है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए ऐसे भी कह सकते हैं। निषेधवाचक में ये भी हो सकता है कि फूल तोड़ना मना है। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे देखिए बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। अब दोस्तों ये नहीं कह रहा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिए बड़ों का सम्मान करो कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बड़ों का सम्मान करो आज्ञावाचक में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जहाँ आज्ञा कौमा प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध हो, आज्ञा प्रार्थना या उपदेश का बोध हो, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, या तो आज्ञा दी गई हो, प्रार्थना की गई हो, उपदेश दिया गया हो, तो दोस्तों वहाँ पर होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे दोस्तों मोहन तुम बैठकर पढ़ो, ठीक है, मोहन तुम बैठकर पढ़ो या तुम स्कूल जाओ, ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से, बड़ों का सम्मान करो, यहाँ ऑर्डर दे रहा है, तो आज्ञावाचक हो गया। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में आएगा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? अगर इस प्रकार से आ जाएगा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तब क्या होगा? तब दोस्तों वो आपका आज्ञावाचक वाक्य नहीं होगा, बल्कि वो हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि वह ऐच्छिक है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पर ऑर्डर या फिर उपदेश या प्रार्थना की गई हो, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? आज्ञावाचक वाक्य होता है, ध्यान दीजिएगा। अब है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा आशीष एवं शुभकामनाएँ आदि का बोध हो। कैसे? जैसे दोस्तों हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, हमें स्कूल रोज जाना चाहिए, और फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों सुभाषिश देने की कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इस प्रकार के वाक्यों में होता है इच्छावाचक वाक्य। ओके, चलिए फिर है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ क्वेश्चन होता है, सिंपल सी बात है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, फिर बात करता हूँ संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक मतलब जहाँ पर शंका होती है ना, जैसे इंग्लिश में मे माइट हम बोलते हैं ना,
जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह आ रहा है तो हम बोलते हैं मे बी, हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या होगा, हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है कि रमेश घर आ जाए। तो जहाँ संदेश सिंपल सा है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो आठ वाक्य है इनमें एकाध ही है जिसमें आपको ध्यान देना है, बाकी बहुत सरल है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। दोस्तों विस्मयवाचक क्या होता है, विस्मयवाचक को संबोधनवाचक भी कहते हैं, यानी जहाँ पर आश्चर्य होता है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह यह क्या हो गया, हे राम, यानी इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है दोस्तों इस प्रकार का ये संबोधन का चिन्ह लगा होता है, तो वहाँ क्या होता है विस्मयवाचक वाक्य। फिर होता है दोस्तों संकेतवाचक वाक्य, यानी एक चीज़ से दूसरे का संकेत मिलेगा, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, स्कूल जाओगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, तो यानी संकेत दिया जा रहा है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाओगे तो पहुंच जाओगे, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये तो आपने आठों समझ लिए, लेकिन दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर क्या था शायद आपको अभी तक भी पता नहीं चला, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर आइए, हम बड़ों का आदर करते हैं, यहाँ पर ये तो नहीं बोला ना कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर ऐसा होता हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तब दोस्तों इसका आंसर होता इच्छार्थक, ठीक है, या फिर ऐसा होता अपने बड़ों का आदर करो, तो दोस्तों इसका आंसर होता आज्ञार्थक। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी किसी भी प्रकार का शॉर्टकट मत लो, गहन अध्ययन कीजिए, आठ चीज़ों को समझिए। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन था ये 28 अक्टूबर के पेपर में, और दोस्तों ये क्वेश्चन निश्चित ही लोगों ने गलत किया। क्यों गलत किया दोस्तों, जब ये कठिन था, थोड़ा अटपटा सा था, लेकिन सरल तो था, जिसने अगर परिभाषा पढ़ रखी है वो सीधे समझ जाएगा। इच्छार्थक कब होगा, जब होता कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए। आज्ञार्थक कब होगा कि स्कूल जाओ, रोज़ स्कूल जाओ, बड़ों का आदर करो। और दोस्तों संकेतार्थक कब होता कि बड़ों का आदर करोगे तो अच्छी शिक्षा पाओगे, तब होता संकेतार्थक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, निश्चयार्थ। अब आप कहोगे कि गुरुजी निश्चयार्थ तो आपने उधर बताया ही नहीं आठ में। दोस्तों यही निश्चयार्थ मतलब क्या, निश्चित है जो, यानी विधानवाचक। अब दोस्तों देखो एग्जामिनर कैसा बेवकूफ बनाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपने रट रखा है या फिर आप अच्छे से पढ़ के आए हो। तो दोस्तों यदि मैं मानता हूँ निश्चयार्थ आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखा है कहीं भी, लेकिन इच्छार्थक तो है, संकेतार्थक तो है, आज्ञार्थक तो है। अगर आपके तीनों आते तो आपका आंसर, अब आप बोलते ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका आंसर यही है, निश्चयार्थ है। यानी क्यों हम बड़ों का आदर करते हैं, अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था राम दूध पीता है, वह स्कूल जाता है, यानी निश्चित है हम बड़ों का आदर करते हैं, तो इसलिए ये निश्चित है, निश्चयार्थ है, यानी विधानवाचक वाक्य था। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस किसे होते हैं, किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है। तो दोस्तों करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था कि हम जो है बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य में क्या था दोस्तों, निश्चयार्थ सही आंसर था इसका, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आज के लिए इतना ही, कल एक अगली क्लास में मिलेंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।